गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज तारीख है 12 जून। अब थोड़े रेगुलर हो गए हैं ब्लॉग, मतलब रेगुलर ऐसे कि जब बनाता हूँ उसके थोड़े दिन बाद ही डाल देता हूँ। तो आज सुबह सुबह अभी तो 9 बजे हैं और 10 बजे के करीब यहाँ से निकलने का प्लान है। नेत्रावली वाटरफॉल है यहाँ पास में कहीं, मैं गया नहीं कभी, पर फ्रेंड्स का फ़ोन आया था कि चलने के लिए पूछ रहे थे, तो मैं कहा ब्लॉग भी बन जाएगा एक और मैं नई जगह भी देखाऊंगा। थोड़े दिन है गोवा में तो बीच वाली साइड तो अब जा नहीं सकते क्योंकि ना नीचे जाने देते, अब बारिशें आ गई तो वहाँ पे पानी हाई टाइड हो जाता है, मतलब ऊपर तक आने लग जाता है जहाँ बैठने की जगह होती है रेत वेत पे, वहाँ तक आने लग जाता है। तो फिर अगर किसी दिन उस साइड गया तो वैसे दिखाऊंगा कि पानी कहाँ तक आ रहा है। वैसे कम चांस है क्योंकि अभी कुछ दिन में जाना ही है घर, उसकी भी तैयारी करनी है, सामान वामान वापस भेजना है, स्कूटी भेजनी है और बाकी सामान भेजना है अभी। तो आज तो तैयारी करते हैं वाटरफॉल पर जाने की। नाश्ता लंच बन रहा है, नाश्ता तो अभी थोड़ा देखते हैं क्या करके जाएंगे। लंच साथ के लिए बन रहा है, परोंठे सिंपल नमक मिर्च वाले और ये आलू की सब्जी, बाकी देख लेंगे कुछ बाहर अगर इससे काम ना चला तो ले लेंगे। 10 बज गए, आगे वो नीचे जा रहा हूँ। और एक मौसम का बताना भूल गया मैं कि मौसम यहाँ 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया मौसम हुआ है वहाँ। तो हरियाणा तो मैंने सुना 45-46 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ है 25-26-27, ऐसे ही रहता है। और सारा दिन ऐसे बारिश में थोड़े तो दुखी भी हो जाते हैं, कपड़े वपड़े नहीं सूखते हमारे 2-2-3-3 दिन। पर यूँ है कि वैसे बैठोगे बालकनी में, बढ़िया मस्त हवा चल रही होती है, चाय पियो आराम से बैठ के, तो ये सब तो वहाँ वापिस अब चले जाएंगे तो बड़ा मिस कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो मौसम को खासकर। बारिश के मौसम की यही खास बात है कि सारा हरा हरा हो जाता है, बिल्कुल जहाँ देखो वहीं ग्रीनरी, आँखों को बहुत अच्छा अच्छा लगता है देखने में। और ये है उसका मेन गेट, नेत्रावली जो वाइल्ड लाइफ है उसके अंदर घुसने का। वाटरफॉल आगे है इसी रास्ते पे अंदर, ये 2-2.5 किलोमीटर आगे जाने के बाद आगे वाटरफॉल का रास्ता आता है। वाटरफॉल दो थे, एक का रास्ता भी बंद था रिसेंटली बताया उन्होंने, एक बंद था और एक वाटरफॉल है जिसमें हम गए थे। अच्छी अच्छी चढ़ाई वाला रास्ता है ये, मतलब ड्राइविंग स्किल थोड़ी सही होनी चाहिए क्योंकि बिल्कुल सिंगल वे है अपना रास्ता, बहुत बढ़िया है। यहाँ गए पीछे दिख रहा है आपको सिंगल रोड है, ऐसे लगभग अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो ये मेन गेट दिखाया था इसके आगे, तो इसके अंदर आने के बाद लगभग 2-2.5 किलोमीटर और बिल्कुल ऐसे बढ़िया वाली चढ़ाई है। यहाँ से है वाटरफॉल का रास्ता, ये अपना पार्किंग की जगह है, यहाँ अच्छी सारी जगह है, काफ़ी गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं और मतलब कोई ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी तो हमें दिक्कत भी नहीं हुई। आगे यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट है, जाते हुए तो ईजी है क्योंकि नीचे उतरना पड़ता है, आते हुए वापसी चढ़ाई है, तो वैसे अच्छा भी है ये क्योंकि चढ़ने में जब तकलीफ वाला काम बाद में हो, पहले जब पहुंच जाओ तो आसानी से पहुंच जाओ, ज़्यादा दिक्कत ना हो। बारिश आ रही है बड़ी तेज और पता नहीं अभी कैमरे में पानी गिर गया, व्यू कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, कोई तो फोन को डाल लूंगा कवर में। पर वैसे वाटरफॉल पे जाके नहाने से पहले यही हो लिए गिल्ले, तो चलो कपड़े साथ ले आए इसलिए कि प्लान था ही पहले से नहाने का, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। रास्ता बड़ा सही है और व्यू भी बड़ा सही है पूरा इस जगह का, और कुछ मौसम तो बढ़िया हो ही रहा है अभी यहाँ तो हर जगह का, तो अभी तक तो बढ़िया लग रहा है, मतलब अच्छी अच्छी वाइब आ रही है, फील अच्छी आ रही है। और इस वाटरफॉल पे गार्ड्स भी हैं और ये खड़े दिख रहे हैं जैसे आपको, और चेंजिंग रूम भी बना हुआ है यहीं पे, ये चेंजिंग रूम है ताकि जो भी आए उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, अच्छी तरह अरेंजमेंट सारा अच्छा किया हुआ है
कोई भी अल्कोहलिक चीज़ आपको अंदर नहीं लाने देंगे। गेट पे ही आपकी गाड़ी बैग वगैरह सब चेक कर लेते हैं, जो भी आप अंदर लेके जा रहे हो। खाने का सामान आप ला सकते हो, उसके लिए नहीं रोकते। बढ़िया जगह है बिल्कुल, बस कैमरा थोड़ा वो हो गया, मतलब बार बार ना वो पानी सा जम जाता है, वो उससे जम जाती है क्योंकि एक तो बारिश हो रही है, साथ में कपड़े भी हमारे गिल्ले हो गए, साफ करने के लिए भी कुछ और है नहीं। जगह बहुत अच्छी है उसके लिए, फोटोज़ के लिए भी और उसके लिए भी, मतलब एक बार आने वाली जगह, एक बार क्या दोबारा भी आने वाली जगह। और बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है यहाँ पे, इतना नॉर्मली होता है। पीछे का ये व्यू देखो, शायद इसमें आए ना। हाँ ये बढ़िया, ऊपर ऐसे बादल दिखाई दे रहे। ये है वो व्यू जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, बढ़िया बादल दिखाई दे रहे हैं ऊपर, मस्त मतलब जन्नत जैसी जगह का फील दे रहे हैं। होता है गोवा में घूमने के लिए, बस यूँ है कि घूमनी पड़ती है, कहाँ कहाँ जाए कहाँ कहाँ छोड़े। आगे कुछ साल और यहाँ रहे तो बढ़िया बननी, बढ़िया और भी दिखती ही रहेंगी जगह। अभी कुछ टाइम के लिए तो घर जाना है, उसके बाद देखते हैं वापसी जब आएंगे तो और कौन कौन सी जगह देखते हैं। तो शायद चाहे तो लास्ट ही ट्रिप होगा, मतलब कहीं घूमने आने का किसी अच्छी सी जगह, तो देखो आगे कैसा मिलता है मौका, तो अजीब सा। हम एक बार पहले भी गए थे एक वॉटरफॉल पे, तो वहां भी थी, तो इस बार ज्यादा इतनी दिक्कत नहीं हुई इनसे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए पूरा, और कुछ चीज़ें जो इस वीडियो में मिसिंग है वो बता दूँ। एक तो वहाँ नेटवर्क नहीं आता, नेटवर्क कम से कम 10 से 15 किलोमीटर पहले ही आना बंद हो जाता है, तो अपना मैप जो है वो ऑफलाइन डाउनलोड करके लेके जाओ ताकि वहाँ जाने के बाद किसी से ज़्यादा पूछना ना पड़े और ज़्यादा दिक्कत ना हो। और अंदर कोई भी अल्कोहलिक सामान ले जाना अलाउड है नहीं, तो वो गेट से पहले ही अपना या फिनिश कर लो या ना लेके जाओ तो ज़्यादा बेटर है। वो सारी गाड़ी चेक करते हैं अच्छे से, और बारिशों के मौसम में ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो बारिशों में जाने का ही है वाटरफॉल ये। और अपना जूते की बजाय अपना सैंडल या कोई भी ऐसी चीज़ लेके जाओ जो गिल्ली हो, तो आपको कोई दिक्कत ना हो और स्लिपरी भी ना हो, क्योंकि जो रास्ता है ट्रैक है वो स्लिपरी है, काफ़ी नीचे पैड़ियाँ, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, और अगली वीडियो भी जल्दी आएगी। वीडियो को इसको लाइक कर देना, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय।